कहने को तो हम चांद और मंगल तक जा चुके हैं और आज हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस की यात्रा में भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत का एक दूसरा चेहरा एशिया भी है, जो भारत में फैली गरीबी और संसाधनों की कमी की ओर समय समय पर हमारा ध्यान खींचता रहता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनने के लिए हर क्षेत्र में ऊपर उठकर आना पड़ेगा। इस दिशा में सरकारें हमेशा से ही काम करती आई हैं। इस दिशा में 18 फरवरी को मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के लोगों को एक नया तोहफा दिया है। आगे इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है वो तोहफा और कैसे वो उत्तर भारत की दिशा और दशा बदल देगा। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी याद से दबा दें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। आपको बता दें कि उत्तर भारत को अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्द ही मिलने वाला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में यह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स लगाई जाएंगी। अब तक इस प्रोजेक्ट में कुल 20,574 करोड़ रुपए की राशि से 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बयान में कहा गया है कि अभी तक कुल फाइनेंशियल डेवलपमेंट 23.8% हुई है। विभाग ने बयान में कहा कि प्रोजेक्ट में दूसरे कंपोनेंट्स और बिल्डिंग्स का निर्माण जैसे फायर वाटर पंप हाउस, सुरक्षा संबंधित पंप हाउस, फ्यूल एंड ऑयल स्टोरेज, वेंटिलेशन स्टैक, ओवरहेड टैंक और स्विचयार्ड कंट्रोल बिल्डिंग का निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है। अगर हम बात करें भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो भारत में 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारे देश में न केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट बल्कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, गैस और कोयले से भी बिजली बनाई जाती है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो 8 अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट से 7,380 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। मौजूदा समय में भारत सरकार देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट की गिनती को और अधिक बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसी दिशा में 10 और पावर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कहा जाता है। वहीं इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर फरवरी 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में 2 यूनिट से शुरू किया गया था। तारापुर मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर आने वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत के बाद पिछले 6 दशक में क्लीन और सेफ बिजली का उत्पादन कर देश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने में एक बेहतरीन योगदान दिया। देश में साल 1969 से शुरू हुआ न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन का सफर पूरी तेजी के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में इंस्टॉल्ड 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक पहुंच चुका है। तारापुर में 210 मेगावाट की पहली 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूनिट्स को इसे देश के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से एक माना जाता है। अभी मौजूदा तौर पर 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में काम कर रहे हैं। वहीं मुंबई में स्थित 8वां पावर प्लांट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, जिसे रिसर्च के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर इन 7 प्लांट्स की बात करें तो कर्नाटका के काइगा में 4 यूनिट्स, गुजरात के काकरापुर में 3 यूनिट्स, तमिलनाडु के कुंदनकुलम और कल्पाकम में 2-2 यूनिट्स, उत्तर प्रदेश के नरोरा में 2 यूनिट्स, राजस्थान में 5 यूनिट्स और महाराष्ट्र के तारापुर में 4 यूनिट्स काम कर रही हैं। साल 2021 तक दिए गए लक्ष्य में 43 न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे। इससे हम अपने देश में 22,480 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन करने में सक्षम होंगे। इससे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ जाएगी। चलिए इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट असल में होता क्या है और इनका सही तौर पर क्या काम होता है। बिजली पैदा करने के लिए दुनिया के तमाम देश परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इन संयंत्रों को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जिससे इनकी खास देखरेख करनी पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए बहुत से प्रकार के प्लांट का निर्माण किया जाता है, जिसमें से थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ सबसे मेन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें फ्यूल के रूप में यूरेनियम और थोरियम नामक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके एक ऊर्जा का चेन रिएक्शन चालू कर दिया जाता है, जिससे यूरेनियम में लगातार एक चेन रिएक्शन में एनर्जी निकलती रहती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम बिजली बनाने में करते हैं। इसमें लगने वाले केमिकल कंपाउंड्स को यूरेनियम कहा जाता है, जो कि काफी महंगा होता है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि 1 किलो यूरेनियम में 2,500 टन कोयले के जलने से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होती है। जिस तरह थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए कोयले को
फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार इसमें यूरेनियम और थोरियम को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि यूरेनियम को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरेनियम को केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में यू के नाम से इंडिकेट किया जाता है। इसे उसके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के काउंटिंग के आधार पर तीन प्रकार से डिफाइन किया जाता है। पहला है U-239, यह नेचुरल यूरेनियम को डिफाइन करता है, मतलब कि नेचर में यूरेनियम इसी फॉर्म में उपस्थित रहती है। दूसरा है U-235, जब हम U-239 को निकालकर उसे बड़े बड़े मशीनों के द्वारा एनरिच करते हैं तो उससे U-235 बनकर तैयार होता है। इसे ही हम यूरेनियम की प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं। इस यूरेनियम की मात्रा नेचुरल यूरेनियम से 0.7% कम होती है। वहीं तीसरे नंबर पर एक और यूरेनियम का रूप आता है जिसे हम U-233 कहते हैं। रिएक्टर में जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। इसी के साथ में न्यूट्रॉन की एक चेन रिएक्शन शुरू होती है जिससे हीट की मात्रा और बढ़ जाती है। अपनी न्यूट्रॉन की चेन रिएक्शन को धीमा करने के लिए रिएक्टर में कूलिंग रॉड लगाई जाती है। बाद में जरूरत पड़ने पर इन कूलिंग रॉड को रिएक्टर के अंदर कर दिया जाता है जिससे न्यूट्रॉन की इंटेंसिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि हीट की मात्रा बढ़ती ही जाती है। ऐसी स्थिति में हम हीट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम बहुत बड़े अमाउंट में पानी का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर भी कई तरह के होते हैं जिसमें अलग अलग देशों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अलग तरह के रिएक्टर डिजाइन किए हैं। इसलिए मेनली चार प्रकार के रिएक्टर होते हैं जो काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। इस प्लांट से कार्बन एमिशन लगभग जीरो होता है, यानी कि प्लांट एयर पोल्यूशन को लगभग ना के बराबर फैलाता है। ये प्लांट अन्य प्लांट्स के मुकाबले कम जगह घेरते हैं। साथ ही ये प्लांट क्विकली मेंटेन किए जा सकते हैं, मतलब कि अगर हमें कम पावर की आवश्यकता है तो हम पावर जनरेशन की मात्रा को बहुत ही तेजी से कम कर सकते हैं। इन प्लांट्स की रिलायबिलिटी भी बहुत होती है। साथ ही साथ इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि इस प्लांट में रिएक्टर में यूरेनियम का रिएक्शन कराया जाता है जो काफी हद तक सेफ रहता है, लेकिन फिर भी अगर रिएक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई तो ये रिएक्टर फट भी सकता है और इसके चलते रेडिएशन पूरे इलाके में फैल सकता है जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को घातक बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। यह एक तरीके का नॉन रिन्यूएबल प्लांट होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि समय समय पर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अगेंस्ट में विरोध भी होते रहे हैं। मार्च 2011 में जापान में फुकुशिमा में हुई परमाणु घटना के बाद इसका असर भारत में भी देखने को मिला था। भारत में उस समय कई प्रपोज्ड न्यूक्लियर साइट्स के आसपास लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था जो कि बाद में नेशनल लेवल पर भी फैल गया। इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में फ्रांस द्वारा बनाए जा रहे 9900 मेगावाट जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और तमिलनाडु में रूस द्वारा स्थापित किया जा रहे 2000 मेगावाट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला था। इसी तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हरिपुर शहर के पास प्रपोज 6000 मेगावाट की कैपेसिटी वाले प्लांट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कि 6 रशियस न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाने थे। लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद हरिपुर का यह न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के कवाली में शिफ्ट कर दिया गया था। इन सब उतार चढ़ावों के चलते इस बात को तो कोई झुठला ही नहीं सकता कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हमेशा से ही एक अहम भूमिका रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकारों के ये प्रोजेक्ट्स आम जनता को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। बहरहाल अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर भी जरूर करें।